दिल्ली नगर निगम के लिए सभी 250 वार्डों के लिए आज वार्ड में वोटिंग जारी है और इस चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला जो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। वहीं एमसीडी चुनाव में 1,04,45,000 रुपए मतदाता इसमें अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और वही चुनाव में कुल 1,349 उम्मीदवार मैदान में है। आज एमसीडी का मतदान चल रहा है, 250 वार्डों पे मतदान लगातार चल रहा है कि इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली न्यू अशोक नगर में मौजूद हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के पूरे जवान कड़ी मुस्तैदी के साथ इस समय चेकिंग अभियान चल रहे, क्योंकि 30,000 दिल्ली पुलिस के जवान और 40,000 अर्धसैनिक 60 ड्रोन कैमरे चप्पे चप्पे पे दिल्ली पुलिस निगरानी रख रही है। इस समय हम देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हुए हैं, पूरी ड्यूटी में कर रहे हैं कि लगातार ये हर एमसीडी चुनाव को लेकर कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और लोगों को जानकारी भी दे रहे कि मोबाइल और यहाँ पर पोस्टर भी लगा रहा है कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अंदर सख्त मना। इसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और एमसीडी चुनाव को लेकर हम बात कर ले, वहीं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चुनाव में देखने को मिली है। कहीं ना कहीं जनता इस बार कूड़े के सवाल को लेकर या कूड़े के सवाल पर लगातार बीजेपी को घेरती नजर आई। हम बात कर लेते हैं वहीं आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी भी लगातार जनता के बीच केजरीवाल या शराब नीति की बात कर ले उस पर विपक्ष घेरती हुई नजर आई है। और वहीं हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस का एक मिशन है कि इस बार हम वाटर कूलर लगवा के देंगे, लेकिन अब ये देखना है कि वाटर कूलर कहाँ लगवाएंगे, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लोग मतदान करने जा रहे हैं, लगातार आप देख सकते हैं कि लोग लाइन में लगे पड़े हैं मतदान के लिए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे मतदान जारी है दिल्ली के न्यू अशोक नगर, आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बुजुर्ग हैं। अब आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं इनका किस बार इस मुद्दे पे। तो हमारे साथ एक माता जी हैं, आज इन्होंने मतदान किया सुबह सुबह, क्या नाम है माता जी? नारायणी देवी। माता जी आपने मतदान किया, विकास को देखते हुए मतदान किया इस बार? मैं नहीं जानती मतदान क्या। आपने वोट डाला? हाँ। हम ये नहीं पूछेंगे कि आपने आम आदमी को दिया, बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, लेकिन विकास को देखते हुए मतदान किया, वोट किया है आपने? हाँ, मतदान में जानती नहीं हूँ, मतदान को वोट दिया है, वोट दे दिया है ना, तो विकास को देखते हुए मतदान किया, वोट किया है? विकास जो काम करता है उसको दिया है। हाँ, जो काम करता है उसको दिया हमने। जो काम करता है। और आने वाले समय में जैसे 15 साल में लगातार सरकार थी, अब क्या बदलाव की जरूरत है फिर? हाँ, बदलाव की जरूरत तो है, होना चाहिए बदलाव। एक कोई रख के तो क्या करेंगे, कोई काम नहीं करता किसी के लिए, सब अपनी अपनी कुर्सियों के लिए काम करते हैं। ये तो ये है कि हम डालनी पड़ती है एक हमें। नहीं, साफ तौर से लोगों का ये भी कहना है कि इस बार बदलाव की जरूरत है, बदलाव को देखने को मिला। अब आने वाले समय में, आज तो वोटिंग हो रही है, 7 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ही बदलाव होगा। अब देखने वाली बात होगी बदलाव किसका होगा। और हम लोगों से